अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, और पहले एक या दो रोज़े जो आपने रखे हैं तो बहुत अच्छे गए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छे ही जाएंगे। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ किया है मैंने, ये भी जो है वो रमज़ान से पहले मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखनी थी, तो उसके लिए मैंने जो है फिर थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, क्योंकि मुझे जो है वो बनाने थे चिकन स्प्रिंग रोल्स, जो वेजिटेबल और चिकन के साथ बनाते हैं, और मेरे ख़्याल में सब लोग ही बनाते हैं, और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सबको ही पसंद होते हैं, और चाहे आप वो पकौड़े भी बना लें और समोसे भी। तो ये रोल्स मैंने देखा कि अब तो हर कोई बनाता है और हर किसी को अच्छे लगते हैं, तो ये हस्बैंड के फेवरेट हैं, इसलिए बना रही हूँ। और मैंने सोचा फिर मैं अभी ये बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें बनाकर फेस तो नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ये रोल्स हैं और कुछ फल्दे वगैरह जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैंने ज़रूर बनाए और उन्हें फ्रीज़ किया है। तो यहाँ पर चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो मैंने कट करके पकानी शुरू कर दी थी, और आपको पता ही है कि वेजिटेबल्स और काटने का ज़्यादा काम होता है, और इनको पकने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, और बाद में जब इनको वो फिल करके रेडी करना होता है या फिर उसमें टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सब कुछ करके तो ये जो है वो रेडी कर लिए थे रोल्स, और इसको मैंने इस तरह से ज़िपलॉक बैग में जितने एक टाइम में हमें चाहिए होते हैं उतने ऐड करके, तो फिर इनको मैंने फ्रीज कर लिया था। ये भी काफ़ी अच्छी और ऑप्शन है आपके पास जो है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी इफ्तारी को तैयार करने के लिए, तो आप ये निकालें और फ्राई कर लें तो बहुत अच्छा ही रहता है। तो इसीलिए मैंने भी बनाया, और अब ये सब कुछ बनाकर और इन्हें फ्रीज वगैरह करके, तो मैंने ये जो है वो डिनर में खाई थी बिरयानी चिकन की, और ये घर में नहीं बनाई थी, ये हम लेके आए थे, क्योंकि मैं वो सब करने में ज़्यादा इतना टाइम निकल गया, तो फिर मैंने डिनर घर पर नहीं बनाया था, तो हम बिरयानी ले आए थे, वो हमने खा ली, और काफ़ी मज़ेदार बिरयानी थी ये। तो ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि ये इसके मतलब अगले दिन जो है वो फर्स्ट रोज़ा है, तो उसकी शाम को जो है वो मैं बना रही थी, ये है अचारी दम कीमा आलू, और अगेन ये हस्बैंड का फेवरेट है, तो क्योंकि मुझे शहर में जो है वो बल वाले पराठे बनाने थे, तो उसके लिए फिर मैंने जो है वो कीमा बनाया, मैंने कहा ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि शहर में जब हम होते हैं तो इतना अर्ली मॉर्निंग इतना कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता है, तो लेकिन अगर आप अपनी कोई फेवरेट डिश बना लें तो फिर तो खाई जाती है। तो दम का कीमा जो है अचारी, ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, फिर मैंने ये बनाया है, और ये मैंने शाम को ही जो है वो रेडी करके रख लिया था, क्योंकि फिर इससे आसानी हो जाती है, और शहर में फिर मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे, अंडे फ्राई किए थे, और कीमा ऑलरेडी बन गया था, और साथ में जो भी शेक वगैरह या ड्रिंक जो भी बनानी होती है, तो फिर उस पर टाइम जो है वो हमारा काफ़ी सेफ हो जाता है, तो इसलिए ये मैंने शाम में ही बना के जो है वो रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे फाइनली दम पे रख दिया है, क्योंकि ये स्लो आंच पर ज़्यादा जो है वो देर पकता है, और फिर इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें हमारा जो है वो मज़ेदार सा
जो है कीमा वो रेडी हो गया है और इसको हम इंजॉय करेंगे हमारी फर्स्ट सहरी में। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट डिश है, जो कि अगर जल्दी भी उठे सुबह, ना भी इतना दिल कर रहा हो, लेकिन अगर वो डिश बनी हो तो फिर आप खा लेंगे, ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ पर कीमा को मैंने फाइनल कर दिया और उस पर जो है वो मैंने कोरिएंडर लीव्स जो है वो भी ऐड कर दिए। और अब ये है हमारे जो है वो सहरी का टाइम था और कीमे के साथ मैंने ये वाले जो है वो बल्ले वाले पराठे बनाए थे, चिली फ्लेक्स और गार्लिक ऐड करके, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ये मैंने बनाए थे और इसके साथ मैंने जो है वो एग भी फ्राई किए थे। तो इस तरह से हमने जो है वो अपनी मज़ेदार सी जो है वो फर्स्ट सहरी इंजॉय की थी। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट अफ्तारी की तरफ। और अफ्तारी में मैंने बनाए थे ये पकोड़े और मिक्स वेजिटेबल के, और इनके लिए स्पेशल मैंने किया था अनारदाना, और मैंने इन वेजिटेबल्स में जो है वो बैंगन भी ऐड किए थे और पालक, बैंगन और प्याज, आलू और सूखी मेथी। तो ये सब कुछ ऐड करके भी अच्छे बनते हैं पकौड़े, अगर आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं ट्राई किए। वैसे तो मैंने देखा मोस्टली लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो अगर जो लोग नहीं बनाते हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं और अनारदाने से तो बेस्ट हो जाते हैं। कि तो ये इफ्तारी में मैं जो है वो बना रही थी, जो भी ये उसकी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन बाद में ये बनाते बनाते वीडियो मेरा काफ़ी टाइम जो है वो चला गया, मुझे पता नहीं चला। तो बस फिर मैंने पकौड़े जैसे ही रेडी किए और फ्रूट चाट, तो उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और ये फ्रूट चाट की प्रिपरेशन की है मैंने। और ये मैंने जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे घर में और वो सारे जो है वो इस तरह से काट के रख लिए थे। और ये जो है वो चने हैं और स्वीट पोटैटो है। आप लोगों ने अगर कभी चाट में स्वीट पोटैटो और चने नहीं ऐड किए तो करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है चैनल पे, बहुत ही क्विक सी है, बिल्कुल सिंपल सी है और इस तरह ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें ऐड होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब आपके पास इतना टाइम नहीं हो। तो बस आप फ्रूट्स काटें और जो चीज़ें मैंने उसमें ऐड की हैं वो करें, जो इसीलिए फ़ौरन से जो है मिल भी जाती हैं और बड़ी जल्दी ये चाट भी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर पकौड़े भी जो है वो रेडी हो गए हैं और इसके साथ मैंने चाट भी रेडी कर ली थी। बाकी जो रोज़ और दही भल्ले बनाने थे और शेक, मैंगो शेक, तो वो फिर टाइम बहुत कम था, तो वीडियो बनाते हुए तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर मेरे पास टाइम कम था, मैंने जो है वो कैमरा रखा साइड पे और अभी इफ्तारी की बाकी जो भी चीज़ें बनानी थी वो बनाई और उसके बाद जो है वो अफ्तारी की। आई होप आपको आज का मेरा जो है वो फर्स्ट सहरी और अफ्तारी का व्लॉग अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगे इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कीप वॉचिंग। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक प्लीज़ करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।